जय हिंद दोस्तों। 8 तारीख के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी, क्योंकि पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है। जो खुद खुद नहीं कर सकते वो दूसरों के मतलब पोस्टमार्टम कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने उठा के फेंकने वाला वीडियो बनाया। अभी एक एडवोकेट है, उसने लेक्चर दिया और शुरू में तो मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा सही बात करेगा, लेकिन बाद में उसका ट्रैक बदल गया। सबसे पहली बात अपने बल पे एक संगठन बनाओ, अपने बल पे एक फेडरेशन बनाओ। जो फेडरेशन जो अभी बना हुआ उसके बारे में अगर कमेंट करना है तो सही ढंग से करो। ये जो एडवोकेट जो बात कर रहा है, इतनी बात कर रहा है, कितने दिन वो आया था वहां पे? अभी लगभग जो है 5 महीने होने को है। 5 महीने में जंतर मंतर में कितना दिन इसने अपना शक्ल दिखाया? अभी इसको मतलब कोई पोर्टफोलियो किसी ने दिया है? बस अभी तो सभी, अब तो सब जो है ना मास्टर बनेंगे। और इनका ये, इन्होंने यही पूछा कि मतलब जब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ये बात अगर कोई अनाड़ी बात करता है तो चलो ठीक है, मान लेते हैं। अगर फेडरेशन का समर्थन का मतलब क्या, हम ये जानना चाहते थे कि अफिलिएटेड मतलब समर्थन अलग, अफिलिएशन अलग। ये इस एडवोकेट को ये मालूम नहीं है और ये बात कर रहा है और एक दूसरा जो है हंस रहा है। और जो 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 शख्स हंस रहा है ना, वही शख्स फिर कह रहा है कि मतलब राठौर साहब से हम बात करेंगे। बात करना तो एक जैसे बात करो। और ये जो एडवोकेट ये बता रहा है कि जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और उसके लिए मतलब नामकरण कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है 9 अप्रैल को हमने क्या किया? 9 अप्रैल को हमने लोगों को इसलिए मतलब बुलाया था वहां पे लोगों का राय जानने के लिए, और उसी दिन पता चल गया था कि कितने मतलब फ्रॉड लोग हैं और कितने मतलब काम करेगा कितने लोग भाग जाएगा, उसी दिन पता चल गया था। फिर बाद में हमने जो है हमने टाइम लिया और भी टाइम लेंगे और भी टाइम लेंगे। आज तक किसी ने इन लोगों में से कितने लोगों ने अपना संगठन बनाया? और एक संगठन, अगर पक्का संगठन बनाने के लिए कितना वक्त लगता है कितने लोगों को मालूम है? और एक फेडरेशन में कितना टाइम लगता है? क्योंकि आप लोगों ने तो फेडरेशन बनाई नहीं, आप लोग तो बस एकजुट हो जाएंगे। ये एकजुट हो जाएंगे के मतलब पता है क्या? जो भी हड्डी थोड़ा ज्यादा डालेगा या मांस डालेगा, बस जैसे कुत्ता भागता है ना वैसे ही भाग जाएंगे। यही है, बाइंडिंग होना चाहिए। हमने जो समर्थन लोगों से इसलिए मांगा था, असली संगठन कितने हैं और नकली संगठन कितनी है। और उस दिन 9 अप्रैल को मैं भी था वहां पे, मैं इसी पर्पस के लिए मैं चेन्नई से गया था हमारे संगठन की ओर से रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने वो देखा है, वो नजारा हमने देखा है, जिसका कोई संगठन ही नहीं था वो साधु महाराज को लेके आ रहा। दोस्तों, ये जो है ना ये खेल नहीं है। संगठन बनाना कुछ और बात होती है और फेडरेशन बनाना कुछ और बात होती है। यहाँ फेडरेशन में जो है हर चीज देखा जाता है, यहां तक कि जो है अगर जरूरत पड़े तो हम 3 साल का जो है उनका रिन्यूअल भी पूछ सकते हैं। यह है फेडरेशन, आप बना के दिखाओ ऐसे फेडरेशन। ये जो चीज जो है ना, एक बंदा कह रहा है कि अफसर को लेंगे, ये मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये लोग
8 तारीख को मतलब अपनी पर्सनल डिस्कशन के लिए बैठे थे या फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के बारे में पोस्टमार्टम करना और कपिल को गाली देना या किसी और को गाली देना? कपिल और फेडरेशन में क्या रिश्ता है? और एक कहता है कि पूरे के पूरे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वाले भरे हुए। दोस्तों हमारे चेयरमैन साहब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नहीं है और हमारे पेटी ऑफिसर संतोष कुमार सिंह वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से नहीं है, गोपाल कृष्ण सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से नहीं है, मोहन अरंगन इज नॉट फ्रॉम सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। कितने लोग आपको बताऊं, वैसे बताने की जरूरत नहीं है फिर भी कितने लोग बताऊं। अगर आप खुद नहीं कर सकते दूसरा कर रहा तो मतलब आपकी मर्जी है, कितनी भी बात करो हम इसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन जिसको हमने आज तक रेस्पेक्ट दिया था उस एडवोकेट को जो है ना कितने जो है जजमेंट मैंने कॉपी भेजा है ऐसे ऐसे केस लड़ सकते हैं लड़ो, वो अभी आज हमें सिखा रहा कानून क्या है। कानून जितना आपको पता है उतना हमें भी मालूम है। फेडरेशन ये जरूरी नहीं है कि नाम रखने के बाद ही लोगों से समर्थन लेना, हमने सिर्फ समर्थन लिया, हमने किसी को अफिलिएट नहीं कराया। अगर हमने अफिलिएशन फीस के तौर पे अगर किसी को हमने बुलाया है या किसी से लिया है तो आप बताओ। ये रजिस्ट्रेशन जहां तक ये रजिस्ट्रेशन है इसके लिए भी हमने किसी से पैसा नहीं लिया, ये हम रजिस्टर कर रहे हैं एक कुछ फाउंडर मेंबर्स हैं इनके लिए, हमने अपने पूरे पैसा लगाया और अपने पैसे से रजिस्टर कर रहे हैं, ना कि जो संगठन का जो है ये अभी जंतर मंतर का जो कलेक्शन है उस पैसे से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। और आपको मतलब क्या हक बनता है कि सुबेदार अर्जुन सिंह राठौर जी है वो एक फेडरेशन जो हम बना रहे हैं उसका चेयरमैन है उसका क्या मजाक उड़ा रहे हैं क्या? आप क्या समझते हैं कि आपका मजाक हम नहीं उड़ा सकते? हर एक फौजी से कितना रुपया आप लेते हो बताओ, कितने फौजी को आपने ठका मैं बताऊं? मजाक उड़ा रहे कि मतलब एक चेयरमैन का, और एक साथी एक आपके साथी बोलता है कि मतलब एक साथ मिलकर काम करना, फिर बोलता है कि राजनीति करना। आप लोग किसको बेवकूफ बना रहे हो? फेडरेशन ये जो है ना फेडरेशन जो है हमारे सपना है, पूरे भारत के जितने भी संगठन हैं उसमें मैक्सिमम संगठन को एक साथ एक प्रिंसिपल के अंदर लेके आना। हो सकता है हमने कुछ गलती किया हो, उस गलती को बोलो आपने ये गलती किया। एक इंडिविजुअल से एक फेडरेशन कभी नहीं चलता। जैसे कि एक घर का जो सदस्य अगर मर जाता है तो वो पूरा पूरा परिवार जो है सड़क पे भीख मांगने के लिए नहीं आते। ये फेडरेशन एक प्लेटफॉर्म है। आप एक वकील होके आपको शोभा नहीं देता, मैं आपका नाम नहीं बताना चाहता हूं, आपको पता है कि मैं आप ही को बता रहा हूं। किसी को मतलब नाम से नहीं बोलना चाहिए। आप क्या जानते हैं कि सुबेदार अर्जुन सिंह राठौर जी के बारे में? हम जानते हैं उसके बारे में आज से नहीं, आप लोग तो अभी से जानते हो। इसमें से 95% लोग उनका शक्ल तक नहीं देखा इससे पहले। मैं सुबेदार अर्जुन सिंह राठौर को उस दिन से जानता हूं जिस दिन वो वाइस ऑफ एक्साइज मैन के प्रेसिडेंट थे। आप लोगों को कोई मतलब योग्यता नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए। यहां तक सुबेदार अर्जुन सिंह राठौर को आपकी जुबान पे लाने के लिए आपको कोई योग्यता नहीं है। जितने लोग आप उस दिन बैठे थे ना उनमें से एक का भी नहीं है। बात करते सुबेदार अर्जुन सिंह राठौर, उसका मतलब हाथ बांधा हुआ, वो कुछ नहीं कर सकता की बात नहीं है। वो मतलब हर चीज को रेस्पेक्ट देता है। ये मत भूलना कि मतलब आप क्या, आप कौन था, आप कहां से कहां आए अभी।
आप में से कितने लोग कितनी संगठन बनाया है, कितने लोगों को मदद किया है, कितने गांव घूम के आया है। बहुत आसान है, मैं इतने जिला का प्रधान हूं, मैं इतने डिस्ट्रिक्ट का प्रधान हूं, मैं हरियाणा का प्रधान हूं, ये तो कुछ नहीं है। जो मतलब रोहतक से लोग मेरे पास आते हैं पेंशन की काम के लिए, जब मैं उनसे पूछता हूं वो हंसते हैं, कहता है कि ये सब पागल है सर, ये आप छोड़ो इनके बारे में, ये अपने आप को मतलब एक दूसरे को दोषी ठहराएंगे और कि कोई काम नहीं करेगा। वो उन्हें भी एक का नहीं बताया, सबके लिए बताया, वो रोहतक से। वो आप क्या समझते हैं कि मतलब जो दूर में बैठे हैं इनको कुछ मालूम नहीं है और आप कुछ भी बोलते जाएंगे। यहां तक कि आप बोलते हैं ना वाइस का वीर बहादुर सिंह, सुरेंद्र पहलवान, मैं इनके बारे में अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि हर एक का वीडियो मैं देखता हूं और बहुत ध्यान से सुनता हूं किसने क्या बात किया। आप ये मत सोचना कि किसने क्या क्या मतलब जो मतलब नवंबर 14 से लेके अप्रैल तक किसने क्या बोला, किसने क्या बात किया। आज वकील साहब आप थोड़ा है ना अपनी भाषा को थोड़ा लगाम दे दो, नहीं तो मैं ओपनली और कुछ बात करूंगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि एक एडवोकेट को जो है मैं इज्जत देना चाहता हूं और एडवोकेट का बुरा ही नहीं करना चाहता हूं। और उसी टाइम जो है आप भी अपना लिमिट के अंदर रहना, क्योंकि अगर जो है ना एक पहलवान जो है ऑर्डिनरी आदमी को मारेगा ना तो ऑर्डिनरी आदमी का कुछ नहीं होता, लेकिन वही एक ऑर्डिनरी आदमी जो है ना एक पहलवान को एक तप्पड़ मारेगा ना, लोग यही बताएंगे कि देखो फलाना आदमी ने पहलवान को मारा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं एक सादा आदमी हूं, आप एक एडवोकेट है और मैं आपको कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो कुछ आपने 8 तारीख को जो हमारे फेडरेशन के बारे में और फेडरेशन की जो चेयरमैन के बारे में बात किया, आपने बहुत बड़ा गलती किया, ऐसे बात करके बहुत बड़ा गलती किया। फेडरेशन का अपना कानून है, पहले रजिस्ट्रेशन से पहले कानून बनता है, कानून बनने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। आप इतना बात कर रहे हो ना, आपके जितने भी दोस्त हैं वहां बैठे थे, उनसे पूछा कि भाई आप लोगों का बैलास किधर है। आप जिन दो संगठन के बारे में और जो तीसरा संगठन जो वो भी अपने आप को ऑल इंडिया लेवल संगठन बताता है, जो मतलब आज उस दिन जो मीटिंग में नहीं था, वो कहता है कि तमिलनाडु में हमारा सबसे बड़ा मतलब गढ़, उनसे पूछो कि बैलास क्या है। ये तीनों जो है अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और तीनों से पूछो कि बैलास किधर है, और फेडरेशन का बैलास क्या है अर्जुन सिंह राठौर जी से पूछो। जो भी समर्थन दे रहे हैं ना वो बैलास फटने के बाद दे रहे हैं, आप जैसे हवा में तीर नहीं मारते। मैं आगे से ऐसे जो शब्द आपकी मुझसे सुनना नहीं चाहता हूं। आप एक इज्जतदार पेशा आपका है और अपने जो पोजीशन को ख्याल में रख के अपनी जबान संभालना है। दोस्तों ये आज एक इनके बारे में जो भी है मैंने कहा, आपके कमेंट्स आप जरूर देना, क्योंकि आगे जाके और भी जो है बहुत लोग आएंगे, उनके बारे में बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।